रामनवमी के पावन अवसर पर लोगों में उत्साह, श्रम और धीरज की कोई कमी नहीं होती। देखिए कहां कहां से लोग अपने राम जी के दर्शन करने अयोध्या आए हैं। अष्टमी की रात है और श्री राम जी के जन्म उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों में हो रही है। पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है। राम लल्ला के दर्शन के अभिलाषी गीत संगीत के द्वारा उनके आगमन की तैयारियां कर रहे हैं, झूम रहे हैं। कहीं कथा गाई जा रही है तो कहीं ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। पूरे हर्ष और उल्लास का माहौल बन चुका है और राम जी ठीक नवमी की दोपहर 12 बजे जन्म लेंगे। Yeah.
माली वगारे दे मेरे जाओ करे मेरे जा। ये कुम से कुछ कम नहीं है दोस्तों। 50 रुपया जी बाबा, 50 रुपया, 50 रुपया। कैसे कैसे 50 रुपया जी बाबा? 4 किलोमीटर वॉक करके आ रहे हैं। शायद ज्यादा ही ऐसे सारे मेलों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पुलिस वालों को, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढे हैं और यहाँ इतनी सारी भीड़ है और इतनी भीड़ में ये लोग कितनी बखूबी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर खड्डे में कोई गिर जाए इसलिए वो पूरा अपना जोर लगाकर वहाँ पे खड़े रहे हैं। आसान नहीं है लेकिन कर रहे हैं। हम लोग अभी हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। 6 बजे से मेरा काम शुरू हुआ, करीब 2.5 घंटे के बाद लेफ्ट लेके मेन रोड से हम अंदर की ओर आए हैं और उसके बाद करीबन अराउंड 3 to 3.5 किलोमीटर का हमें स्ट्रेच कवर करना था हनुमानगढ़ी तक। राम जन्मभूमि पर आए हूँ और यहाँ के सबसे बड़े गार्ड पवन पुत्र हनुमान के दर्शन ना किए तो आप राम के दर्शन पूरे नहीं कर सकते। तो अभी हम हैं हनुमानगढ़ी पर, जिसे बनाया था विक्रमादित्य जी ने, और स्टेशन से करीब अयोध्या स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का तादाद तो आप देख ही रहे हैं। और आप सब लोग तो जानते ही हैं हनुमान जी जो हैं वो राम जी के परम भक्त हैं और परम भक्त के पहले दर्शन करने आवश्यक हैं। यहाँ श्री हनुमान जी स्वर्ण रूप में विराजे हैं और पूरी अयोध्या नगरी की देखरेख उन्हीं के सुपुर्द है। कहा जाता है श्री हनुमान जी यहाँ गुफा में रहते थे। वैसे यह मंदिर 10th सेंचुरी का बना है और करीब 76 स्टेप्स की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों कोने गोलाकार में हैं और यह मंदिर एक किले के रूप में बना है। दशरथ मंदिर में, और दशरथ जी तो कौन थे आप सभी को पता है, राम जी के पिता। और यहाँ पर सारी शरणार्थी जो है यहाँ पर उन्होंने डेरा भी बसाया हुआ है और यहाँ पर भी लोग आते हैं अपना माथा टेकने के लिए। कचहरी से होकर के आ रहे हैं। चलिए आगे, तो आगे हम कनक मंदिर। कनक मंदिर वो मंदिर है जो माता कैकेयी ने सीता माता को दिया था जब वो विवाह कर आई थी घर। तो राम जी और सीता माता यहीं पर शादी के उपरांत रहते थे और आप राम लल्ला के दर्शन आज से पहले, मतलब इस साल से पहले कनक मंदिर में ही बहुत ही भव्य रूप में मनाया जाता था, लेकिन आज जिस स्थान पर मंदिर बना है और वहाँ पर मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ राम लल्ला के, वो भी आप देखिएगा। पर बने रहिए, स्क्रॉल मत कर दीजिएगा। राम सीता राम
चले हनुमान मार के लगवा। ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और हमारे राम लल्ला जी अभी तो जहाँ पर स्थित हैं उसके दर्शन भी मैं कराऊंगी आपको, लेकिन ये वही जगह है जहाँ पर राम लल्ला जी विराजने वाले हैं। वहाँ पे जो झंडा दिखाई दे रहा है दूर, उसी झंडे के यहाँ पर प्लिंथ बन चुका है और मंदिर का प्रांगण है ये पूरा सारा, और उसके बाद मंदिर पूरे वो मतलब भव्य मंदिर बनने वाला है यहाँ पर। तब से भी हम ज़रूर शूट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा उसके पहले ये दृश्य भी दिखा दूँ ताकि हमारे साथ ये मेमोरी भी रहे। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगदेव्यामगम्य वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम कुशलेन्द्राय महने गुणाभ्यै चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। आपके समक्ष राम जी हैं और राम लल्ला जी के जन्मोत्सव पर आपको दर्शन कराए, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो आप सब लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और राम लल्ला जी को सुबह देखिए, मतलब मैं तो सच में बहुत पावन हो गई। आप लोग भी हो जाइए और मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दीजिए और हम लोग और आगे बढ़ें, बस इसका आशीर्वाद दीजिए। राम लल्ला जी के दर्शन सीधे राम मंदिर से, और आज सब लोग का भी मन जरूर से खुश हो गया होगा मुझसे। और प्रसाद भी ले लिया है, देखिए ये आप सब लोगों के लिए है, मेरी ओर से ऐसा बनेगा राम मंदिर जहाँ पे हमारे राम लल्ला जो हैं स्थापित होंगे। तो फिर से सरयू नदी के पास है हम, कड़ी धूप है और 12 बजे के दर्शन करके आपने तो राम लल्ला जी को देख लिया, तो आप सब लोग का आशीर्वाद तो मुझे मिल ही गया होगा। इसी के साथ ही मैं राम की जन्मभूमि राम लल्ला की जन्मभूमि से आपको अलविदा तो नहीं कहूँगी, फिर मिलते हैं। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और एक्सट्रीम रोड्स को और प्यार दीजिए यही ब्लॉग के साथ। काश हम 1 मिलियन फैमिली हो जाए।